गुल्लू चिड़िया विदेश से सुंदरपुर अपनी बहन के गांव आती है। उसे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता था। वहां से रानू चिड़िया जा रही थी। रानू चिड़िया गुल्लू को देख के रुक जाती है। रानू पूछती है कि अरे तुम तो यहां की नहीं लगती हो, तुम तो शहर की लग रही हो। उसके हुलिया देख के वो समझ जाती है कि इसे इस जगह के बारे में नहीं पता। वो बहुत ही खतरनाक जगह थी। रात के टाइम वहाँ से कोई नहीं गुजरता था। सब लोग उस जगह से डरते थे क्योंकि वहाँ पिशाचनी रहती थी। रानू भी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो भी एक पिशाचनी थी जो कि जिंदे लोगों का खून पीती और हमेशा जवान दिखती थी। रानू के बातों में गुन्नू आ जाती है। गुन्नू कहती है, मैं तो यहाँ बहन के घर आई थी पर अंधेरा की वजह से मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और मेरे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं है। मेरी बहन भी परेशान हो रही होगी। रानू कहती है कि अब नेटवर्क आएगा भी नहीं और आपकी बहन तो आपको पहचानेगी भी नहीं। तभी गुन्नू कहती है कि अरे आप ये क्या कह रही हो। तो वो हंस के कहती है, अरे आपने तो हुलिया ही बदल लिया है, आपकी बहन आपको कैसे पहचानेगी, मैं मजाक कर रही थी। आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। मैं मुखिया की पत्नी हूँ, आपको बिल्कुल रास्ता नहीं भटकने दूंगी। गुन्नू वहाँ इंतजार करने रहती है तो गायब हो जाती है। वहाँ पे एक बुढ़िया चिड़िया आती है। वो आके कहती है कि तुम्हें मेरा ये रूप देखकर दया नहीं आ रहा है क्या, मुझे भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना है। वो कहती है, हाँ हाँ मैं सुंदर बना दूंगी। गुन्नू की ये बात सुन के वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक बहुत ही खूंखार पिशाचनी रहती है। गुन्नू उसका असली रूप देख के घबरा जाती है। वो गुन्नू से कहती है कि अब मुझे अपने जैसी खूबसूरत बना दो बहन। गुन्नू घबराई हुई रहती है। वो गुन्नू को एक बुढ़िया का रूप दे देती है। गुन्नू अपना ये रूप देख के बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे ये कौन सा रूप दे दिया। तभी वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मैं एक खूंखार भटकती पिशाचनी हूँ, मुझे तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत चिड़िया ही चाहिए होती थी। तुमने बोला कि मैं तुम्हारा रूप खूबसूरत बना दूंगी तो मैंने तुम्हारा वो रूप ले लिया और तुम्हें अपना रूप दे दिया। हा 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 करके वो जोर से बहुत हंसती है। गुन्नू अब बहुत अफसोस करती है। अब वो मन ही मन ठान लेती है कि आज के बाद वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करेगी। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अपनी बहन से विदेश से मिलने के लिए आई थी, तुमने मुझे ये कौन सा रूप दे दिया। अब मेरी बहन भी मुझे नहीं पहचानेगी और मेरा आवाज भी बुढ़ियों की तरह डरावना हो गया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तुम अपना वापस वही रूप दे दो। वो चुड़ैल कहती है कि अब कोई फायदा नहीं, मुझे आज का शिकार मिल गया। वो वहाँ से चली जाती है। गुन्नू रोते हुए वहाँ आसपास भटकती है। चारों तरफ अंधेरा की वजह से कुछ उसे पता नहीं चलता और वो इस जगह पे अनजान थी। इसीलिए कभी भी किसी पे जल्दी भरोसा ना करे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे।